नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में अब प्रदर्शन के दौरान कानून तोड़ने वालों को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। दरअसल बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने एक फरमान जारी कर दिया है। उनके फरमान के अनुसार प्रदर्शन के दौरान नियम और कानून तोड़ने वालों की खैर नहीं है। विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम या ऐसे किसी अन्य मामले में हंगामा हुआ और विधि व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई तो प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों को न नौकरी मिलेगी और न ही ठेका। ऐसे मामलों में अगर प्राथमिकी दर्ज होती है और किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित होता है तो उनके खिलाफ पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख होगा। चार्जशीटेड होने पर इन व्यक्तियों को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही ठेका ले सकेंगे। बिहार सरकार से जुड़े ठेके में चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य किए जाने के बाद डीजीपी एसके सिंघल ने पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के संबंध में एक विस्तृत आदेश जारी किया है। इसकी जरूरत कई कार्यों के लिए होती है, वहीं चरित्र प्रमाण पत्र भी इसी रिपोर्ट के आधार पर जारी होता है। डीजीपी ने पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है और किन बिंदुओं पर जांच करनी है इसका भी स्पष्ट उल्लेख किया है। आपको बता दें कि डीजीपी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम जैसे मामलों में अगर कोई व्यक्ति शामिल रहता है और उसके खिलाफ पुलिस चार्जशीट दायर होती है तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ऐसे व्यक्ति के पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में उसे सरकारी नौकरी और सरकारी ठेका नहीं मिलेंगे। वेरिफिकेशन रिपोर्ट में संज्ञेय अपराध में शामिल और पुलिस व अदालत द्वारा की गई कार्रवाई की ही एंट्री होगी। इसमें लंबित पुलिस कार्रवाई, प्राथमिकी या अप्राथमिकी अभियुक्त, चार्जशीटेड और अदालत द्वारा दोषी सिद्ध का ही उल्लेख होगा। हालांकि अनुसंधान के बाद चार्जशीट नहीं करने और संदिग्ध घोषित व्यक्ति पर भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट में टिप्पणी नहीं करने का प्रावधान है। बिहार में आए दिन नौकरी के लिए युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिलता है। अभी हाल ही में राजधानी पटना में बिहार के युवाओं ने कई विभागों द्वारा नौकरी देने में देरी किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया था। बिहार के बेरोजगार युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना महामारी के बाद से यहाँ स्थिति और खराब हो गई है। बेरोजगारी दूर करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा लगातार सार्थक प्रयास किए भी जा रहे हैं, लेकिन देरी होने की स्थिति में बेरोजगार युवाओं का सब्र का बांध टूटने लगा है और यही कारण है कि युवा लगातार नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच डीजीपी का यह नया फरमान बेरोजगार युवाओं को और ज्यादा परेशान कर सकता है। एक तो युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है और ऊपर से डीजीपी का यह नया आदेश कि नौकरी के लिए प्रदर्शन के दौरान नियम तोड़ा तो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में इस बात का जिक्र होगा, ये सभी स्थिति बिहार के बेरोजगार युवाओं को परेशानी में डाल सकते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि नौकरी के लिए संभल कर प्रदर्शन करना होगा, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। यही नहीं, बिहार सरकार से जुड़े ठेके लेने के लिए भी चरित्र प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदर्शन के दौरान नियम तोड़ने पर अब सरकारी ठेका भी नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।